हाँ ओके ओके। सलाम वालेकुम भाई। हम सारे लोग जितने भी हैं सब इंडियन हैं और हम वहां से दिल्ली से मुंबई से एचआर ऑफिस से और स्काई वाले से और नासिर वाले से इन लोगों से हम लोग यहां आए हुए हैं। लगभग डेढ़ डेढ़ लाख रुपया एक एक लाख रुपया उन लोगों ने हमसे लिया है। यहां हमें 8 घंटे की ड्यूटी बता के भेजा था और 1400 रियाल सैलरी। हम यहाँ आए 16 घंटे और 14 घंटे की ड्यूटी मांग रही है हम कंपनी हमसे। 3 महीने हो गए हम लोगों को किसी को भी कोई एक भी सैलरी नहीं मिली कंपनी की तरफ से, ना खाने के लिए कोई पैसा मिला। जो हमारे रिश्तेदार हैं मिलने वाले हैं हम उनसे 100-150 रुपए लेके अपना घर अपना यहाँ का खर्च पूरा कर रहे हैं। 4-5 लोग बीमार हैं, कंपनी उन्हें दवाई की सहूलियत नहीं दे रही, ना एचआर वाले हमारे सुन रहे हैं, ना स्काई वाले हमारे सुन रहे हैं और ना नासिर वाले। हम हर रोज यहाँ से कंप्लेंट करते हैं, कोई हमारी शिकायत सुनने को तैयार नहीं है, हमें टाला जा रहा है। यहाँ शिरका मुइन अल बशरिया इसका नाम है जहाँ हमें भेजा था, धोखे से सप्लाई कंपनी में भेजा, सबको धोरे से बतलाया नहीं वहाँ पे, तो यहाँ हम फंस गए। 3 महीने से हमें कोई सैलरी नहीं मिली है, ना खाने का कोई पैसा मिला है। हम इधर बैठे हैं एचआर के बंदे हैं, 1, 2, 3, 4 ये एचआर के बंदे हैं, ये अरुणाचल से हैं। मैं स्काई से हूँ। ये स्काई से भाई सबको वाट लगा दी। 3 महीने हो गए भाई, 3 महीने हो गए इधर 1 रुपया। वीडियो आप लोगों को देख ली, अब समझिए मैं क्या बताना चाहता हूँ। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अरब कंट्री जाते हैं और जाने के बाद फंस जाते हैं। फंसने का कारण क्या है, वहाँ जाने के बाद अच्छे कंसल्टेंट से जाने की वजह से और बुरे कंसल्टेंट से जाने की वजह से। ये बहुत अच्छे अच्छे कंसल्टेंट है जिसका नाम ले रहे हैं, जो कि उसने ऐसा मिस्टेक कर दिया। करने का कारण क्या है, इससे बहुत सारा कारण है कि जब आप जाओ किसी एजेंट के थ्रू, जब आप जाते हैं किसी बंदा के थ्रू आप जाते हैं, क्योंकि उसने डायरेक्ट इंटरव्यू तो करेक्ट करके नहीं गया हुआ है, और इंटरव्यू करेक्ट नहीं करने की वजह से वो किसके थ्रू को जाते हैं, और लेबर कैटेगरी का बंदा के साथ ही ये सब प्रॉब्लम होता है, जिसको उसको जूझना पड़ता है ये सब प्रॉब्लम। मोफा नंबर जैसे आता है उसके बाद अरब कंट्री के वेबसाइट में वो चेक कर सकता है कि हाँ मेरा ये वैकेंसी है, और क्या करता है उसके बाद वीज़ा इशू होता है, वीज़ा भी देख सकते हैं वेबसाइट में चेक कर सकते हैं, उसके बाद जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग एजेंट के थ्रू चल जाता है, जो भेजता है वो पैसा 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया पैसा दे के जाता है, और जाने के बाद वहाँ जाके फंस जाता है। उसका काम यही होता है सेंड कर देना है, बहुत ऐसे बंदा को विजिट वीज़ा में भेज देते हैं। मेरे जानने में से एक बंदा है, इंटरव्यू क्रैक करने के बाद वहाँ जाके फिर से उसका इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू लेने के बाद उसको क्या किया, उसका जितना सैलरी रखा था उतना सैलरी नहीं किया, उससे कम सैलरी करके अब बोल रहा है कि आपको काम करना है तो करो, नहीं करना है तो जाओ। तो फिर वो क्या किया, अपना टिकट बना के आया इंडिया, और आने के बाद वो अभी स्ट्रगल कर रहा है। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा गलती ना करें। जब कभी भी आप जाएं बाहर के लिए, कोई भी कंट्री के लिए जा रहे हैं, अरब कंट्री जा रहे हैं, तो सपोज हम अरब कंट्री का बात कर रहा हूँ, तो आप सबसे पहले चेक करिए किसी अच्छे बंदे से जाके मिलिए, जो जिसको आपको नॉलेज है मतलब नेट के वगैरह, वो मोफा नंबर चेक करो, उसके बाद वीज़ा का टाइप चेक करो, ये दोनों ठीक हो जाएगा तो आप जाओ, जाने के बाद कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा और आप अपना करियर चेंज कर सकते हैं।